मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ये जो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी, आई होप आप लोगों ने पूरी देख ली होगी और अच्छे से उसको कर भी लिया होगा। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलन केलर, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, दिस होल चैप्टर यू हैव टू रीड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है हेलन केलर की, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं इसमें अब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी जो है वन पेज हैंड राइटिंग करनी है, ठीक है। इन योर कॉपी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से वही डिफ़िकल्ट वर्ड आपको जो है फाइंड आउट करने हैं, और आपको पिक्चर बनानी है, जो वो ये वाली बनानी है, ठीक है। दिस पिक्चर यू हैव टू मेक, ये आप पिक्चर बना लेंगे पूरा। ये हेलन केलर की बचपन का फ़ोटो है, ठीक है। इस तरह से ये बनाने के बाद न्यू वर्ड्स भी आप लोग कर लेंगे, जो भी डिफ़िकल्टी लगे वो आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग इज़ फन को की वीडियो मैं अलग से आपको बना के भेजूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और इसकी वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, ठीक है, सेपरेट वीडियो दूंगी। अभी आप सिर्फ वन पेज का हैंडराइटिंग कर लीजिएगा, पिक्चर बना के उसके न्यू वर्ड्स कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है आइए बताऊँगी मैं। बच्चों ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि बताया गया है कि जब कोई बच्चा या कोई जब कोई किसी को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या तो वो देख नहीं पाए या सुन नहीं पाए या बोल नहीं पाए, तो उसको जो है अलग तरीके से बिल्कुल साइन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। जैसे अगर कोई आदमी ब्लाइंड है, ठीक है, ही कैन नॉट सी, तो उसके लिए लिखने पढ़ने के लिए क्या होता है, एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, डॉट 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 करके अक्षर ऐसे बने रहते हैं। तो जो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी उंगली को इन डॉटेड पे ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, और जैसे ही फिर वो उसी से अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन सा अक्षर बना हुआ है, और वो उसी से ऐसे पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई आदमी सुन नहीं पाता है, तो साइन लैंग्वेजेस के थ्रू उसको अपनी बात समझाई जाती है। कैसे समझाएंगे, जैसे ये ए बी सी डी पूरा होता है, जैसे अगर कोई बच्चा या कोई भी आदमी लिखना पढ़ना जानता होगा तो वो कौन से लेटर्स का यूज़ करेगा, ए बी सी का। लेकिन अगर वो सुनना नहीं जानता तो हम उसको ए बी सी कैसे पढ़ाएं, वो देख कब नहीं, मतलब अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो क्या होता है, जो सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते उनको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। ए इस तरीके से बनाया जाता है, बी इस तरीके से बनाया जाता है, सी इस तरीके से बनाया जाता है, डी इसी तरीके से, पूरा जो है वो जेड तक इस तरीके से दिया गया है। आपको जो है वो सारी चीज़ें नहीं बनानी है, जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं आपको केवल वही बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा जा रहा है, यूजिंग साइन लैंग्वेजेस मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड। तो ये सी एच ई के, तो आप सी एच ई के को बनाने के लिए देखिए सी का इस तरीके से डायग्राम बना देंगे, एच का इस तरीके से बना देंगे, ई का इस तरीके से बना देंगे, और के का इस तरीके से। तो आप ये चार पिक्चर्स जो हैं वो बना लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब क्या करना है, ठीक वैसे ही स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड्स एंड साइन। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है घर पे कि एच ई एल ई एन हेलन अगर आपको किसी को बोलना है तो जल्दी जल्दी आप लोग किस तरीके से साइन बनाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हेलन बोलना है तो एच का साइन जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे, फिर ई का साइन इस तरीके से बनाएंगे, फिर एल का इस तरीके से, फिर दोबारा ई ऐसे, और एन एन को इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हेलन आप बोल देंगे। फिर जैसे आपको वॉज बोलना है तो वॉज के लिए डब्ल्यू आप ये बना देंगे, फिर ए के लिए आप बिल्कुल ऊपर जो सबसे पहला साइन लैंग्वेज थी साइन था वो बनाएंगे, और एस के लिए आप लोग ये वाला साइन बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ड्स भी आप बोल देंगे, इसीलिए ये आपको करना नहीं है, केवल आपको ये प्रैक्टिस करनी है बस इन दोनों वर्ड्स की, ठीक है, हेलन एंड वर्ड्स। तो ये वाला आपको कॉपी में करना है और ये वाला
एक सेकेंड, ये वाला कॉपी में नहीं करना है, ठीक है? हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, जो लोग देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते हैं? तो वही मैंने आपको बताया, थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट, BRAILE, ब्रेल SCRIPT, स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि, हिंदी में बोलते हैं ब्रेल लिपि, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। जरा इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लग तो रहा है ठीक, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ना हो, एक मिनट देख लेंगे, ठीक है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कॉपी में, ठीक है? अभी मैंने लिख दिया, वैसे ही आप लोग लिख लेंगे। वॉट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड, वॉट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, सेम क्वेश्चन है, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये नहीं करना है। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, आपको कैसे लगता है, क्या सोचते हो आप, जो लोग देख नहीं पाते आप उनकी मदद कैसे करोगे? तो आप उनकी मदद ऐसे करोगे, उनको पर्सनल अटेंशन दोगे, उनकी हेल्प करोगे, ठीक है? उनको ब्रेल स्क्रिप्ट सिखाने में मदद करोगे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वर्बली वो है, डिस्कशन के लिए टॉपिक है, इसीलिए इसको भी कॉपी में नहीं करना है। लुक द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, तो ये तो हमने देख ही लिया और हमने इसके साइंस भी बना लिए इन दोनों में, ठीक है? तो ये पूरा नहीं करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है? मैच द टू पार्ट्स, ये मैचिंग वर्ड है, ये ज़रूर कर लेना है, ठीक है? तो ये वाला जो है वो आप लोग पहले स्टोरी पढ़िए, फिर उसके बाद इनको मैच करिए। कल मैं उसको आपको इस तरीके से मैच करना है, पहले का जो भी हो, ये अभी जो मैंने मैच किए हैं ये सही नहीं है, ठीक है? पता चले आप लोग ऐसे ही लगा लो, आपको स्टोरी पढ़नी है, आपको मैच करना है। कल मैं इसके आंसर्स भेजूंगी, फिर आप लोग उनको करेक्ट कर लेना, ठीक है? इस तरीके से। सो चैप्टर ऑलमोस्ट हैज कम्प्लीटेड, बाकी की एक्सरसाइजेज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर।